राजनांदगांव शहर में विजयदशमी का पर्व काफी उत्साह के साथ मनाया जाएगा, जिसको लेकर विभिन्न समितियों के द्वारा अपनी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और रावण का आकर्षक पुतला दहन के लिए भी तैयार है। विजयदशमी पर्व के दौरान विभिन्न कार्यक्रम का आयोजित भी किया जाएगा। शहर में मुख्य रूप से चार स्थानों पर रावण दहन की तैयारियां की जा रही हैं। शहर में म्यूनसिपल स्कूल मैदान, स्टेट हाई स्कूल मैदान सहित कमला कॉलेज और गौरी नगर में बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। समितियों द्वारा रावण दहन के अलावा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बॉलीवुड के कलाकार भी प्रस्तुतियां दी जाएंगी, साथ ही आकर्षक आतिशबाजी के कार्यक्रम भी रखे गए हैं। समितियों द्वारा 50 फीट से 65 फीट के रावण के पुतलों का निर्माण किया जा रहा है। आयोजक समिति से जुड़े लोगों का कहना है कि आम लोगों के लिए बैठक व्यवस्था के साथ सुरक्षा इंतजाम किया गया है। दुर्ग से पहुंचे पुतला बनाने वाले कलाकार दुर्गेश मरकाम का कहना है कि करीब 50 फीट के रावण का पुतला बनाने में 50 से 60 हज़ार रुपये का खर्च आता है और उसे बनाने में 15 दिनों का समय लगता है। राजनांदगांव से नेमिश अग्रवाल की रिपोर्ट। और ये 51 से 52 फीट है, ये बांस से निर्माण होता है, बांस और तार खिला ये सभी उपयोग होता है। ये तो मेरे को 25 वर्ष हो गया बनाते हुए, ये अभी लास्ट सौंदर बना के यहाँ आया हूँ महाराष्ट्र, और भिलाई में 2 रावण है। और ये सीजन में अपना काम है, बांस का ही बिजनेस है, इसमें बांस कंपलसरी, बांस तो लगना ही है, बांस है, तार है, किला है और रस्सी है, इसके ऊपर बोरी का लेप है।